नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जन चौपाल के दौरान मौके पर ही एक अधिकारी द्वारा ली गई रिश्वत को वापस कराया है और उस अधिकारी की जांच भी शुरू कराई गई है। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने विगत रोज छतरपुर के ग्राम महेबा और सलैया में चौपालें लगाई। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, मौके पर कई समस्याओं का निराकरण किया। जब चौपालें लगती हैं तो गांव के लोग खुलकर कलेक्टर से अपनी बात कह पाते हैं और इसी दौरान एक ऐसी घटना भी सामने आई जो पहले कभी नहीं देखी गई। ग्राम महेबा में चौपाल के दौरान सगुन कर्ण नाम की एक महिला ने कलेक्टर को बताया कि उसके आवास योजना के फाइल को आगे बढ़ाने के नाम पर पीसीओ के द्वारा उनसे 6,000 रुपए की रिश्वत ली गई है। इस मौके पर पीसीओ तो मौजूद नहीं थे, लेकिन कलेक्टर ने जनपद सीईओ मजहर अली से 6,000 रुपए की राशि इस महिला के परिवार को वापस दिलाई। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने उस अधिकारी की भी जांच शुरू कराई जिन्होंने ये रिश्वत ली थी, जिन पर ये आरोप लगे हैं। दो वीडियो देखिए और इन वीडियो के माध्यम से समझिए कलेक्टर ने जब रिश्वत वापस कराई तो क्या कहा। रिश्वत वापस कराने के बाद महिला ने बताया कि वो परित्यक्ता है, उनके पति यहाँ उनके साथ नहीं है, ऐसे में उनके साथ भरण पोषण का संकट है। कलेक्टर ने रिश्वत लेने वाले अधिकारी पीसीओ ब्रजेंद्र खरे के खिलाफ जांच शुरू कराई। साथ ही महिला को कपिल धारा योजना के अंतर्गत उसके खेत पर एक कूप खनन की फाइल को भी जल्द से जल्द तैयार करने और स्वीकृति दिलाने की बात कही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में इस वक्त के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं।